हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं क्रेडिबल कहानी। तो दोस्तों, आज अपनी एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का डे 5 है। इसके अंदर अपन सीखने वाले हैं कि सेल क्लोज कैसे करनी है। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में डालता रहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले उन्हें देखिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको सिंपली देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक कंसल्टेंट बन के बात करनी है, आपको सेलर नहीं बनना। क्योंकि अगर आप सेलर बनने की कोशिश करते हो तो आपका बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि यार सेल्समैन की तरह काम करवाएगा मेरे से, तो वो उस काम को पसंद नहीं करता। क्योंकि इंसान की क्या साइकोलॉजी क्या होती है, उसको सेल्समैन से हमेशा नफरत होती है। तो आपको एक कंसल्टेंट बनना है, सेलर नहीं बनना। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव ऑल डिटेल्स अबाउट कोर्सेस और कंपनी। आपके पास अपनी कंपनी की और अपने कंपनी के सारे कोर्सेज के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए आपको दिमाग में। मान लीजिए अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार वो गोल्ड पैकेज है, उसमें मेरे को कमीशन क्या मिलेगा, पैसिव इनकम क्या आएगी, और आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। आपको पता ही नहीं कि यार क्या कमीशन आता है, क्या पैसिव इनकम आती है, तो आप वहाँ पे चूक जाओगे। तो आपको अपनी कंपनी और अपने सारे कंपनी के कोर्सेज के बारे में फुल डिटेल रखनी है, ताकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कंपनी के बारे में आपसे कुछ नॉलेज ले तो आप उसका तुरंत आंसर दे पाओ। नेक्स्ट, फोर स्टेप फॉर्मूला टू क्लोज एनी सेल। मैं आपको फोर स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा कि आप किसी भी सेल को तुरंत क्लोज कर सकते हो। तो फर्स्ट है रिलेशन, सेकंड है क्वेश्चन, थर्ड है इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है डिसीजन। तो अब आते हैं फर्स्ट पे, रिलेशन। आपको प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। कैसे करना है? आपको उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है, क्या मेरी बात XYZ से हो रही है। मतलब क्या मेरी बात, मान लीजिए आपके प्रोस्पेक्ट का नाम मान लीजिए कोई रोहित है, क्या मेरी बात रोहित से हो रही है। आपको बिल्कुल सिंपल नॉर्मल आवाज में पूछना है, क्या मेरी बात रोहित से हो रही है। सेकंड है, क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या अभी भी आप फ्री हो, क्या ये बात करने का सही टाइम है। आपको उससे सिंपली परमिशन लेनी है, या आपको एक बिल्कुल एक लहजे में एक अच्छे तरीके से पूछना है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या आप अभी 10 मिनट के लिए फ्री हो। अगर आप उससे ऐसे बात करोगे तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, एक रिलेशन बिल्ड हो पाएगा आपके साथ उसका। नेक्स्ट है टेक इंट्रोडक्शन। आपको उसका इंट्रोडक्शन भी लेना है और अपना खुद का भी लेना है। आपको सबसे पहले पूछना, भाई यार कहाँ पे रहने वाला है, तो अभी क्या कर रहा है। मान लो अगर बोल देता है यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब मान लो आप भी दिल्ली में रहते, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो, यार मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, चल कब मिलते हैं कभी। अगर आप उसको ऐसा बोलते हो एक बिल्कुल छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, तो आपके साथ एक कंफर्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी, आप मान लीजिए उसको कॉल लगा रहे हो, आप सिंपली पूछ रहे हो, हाँ भाई प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, हाँ भाई वीडियो में सब समझ में आ गया, तो बता कौन से कोर्स स्टार्ट करना है, बता कौन सा लिंक भेजूँ तेरे को। आप कैसे नहीं पूछना, आपको सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है, उसको कंफर्टेबल करना है बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट है, फाइंड सिमिलैरिटीज इन यू एंड योर लीड। आपको अपने और उसके बीच कुछ सिमिलैरिटी ढूंढनी है। जैसे कि मान लीजिए वो बीकॉम कर रहा है, आप भी बीकॉम कर रहे हो, तो आपको उसको बोला यार वाह भाई मैं भी बीकॉम ही कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई बंदा मान लीजिए UPSC कर रहा है, तो आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कोई बंदा IAS की तैयारी कर रहा है, कोई मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना है कि वाह यार भाई तूने अच्छी फील्ड चुनी है, थैंक यू। मतलब थैंक यू नहीं, आप उसको बोलना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, वो भी आपको थैंक यू बोलेगा। रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उससे क्वेश्चन पूछने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोस्पेक्ट से बुलवाना है, उसे क्वेश्चन करने, उसको पूरी नॉलेज देनी है, उससे क्वेश्चन पूछने हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी पूछता, आपको उसको सामने से बोलना है, भाई तुम मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, तो आपको उसे बुलवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट है, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखा।
आपको इसको सिंपली वे में पूछना है रिलेशन बिल्ड करने के बाद, क्या भाई आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखा? अगर वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, तो आपको उसको सिंपली बोलना है कि भाई मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक वापस भेजता हूँ, आप उसको पहले देखो फिर अपन वापस बात करते हैं। अगर वो बोलता है हाँ मैंने देख लिया, तो आपको फिर क्वेश्चन पूछना है, अच्छा आपको वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों? आपको क्या पूछना है कि भाई आपको वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा और क्यों लगा? तो सामने वाले बोलेंगे हाँ मेरे को कमीशन अच्छा लगा, उसके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हम इससे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे बोलेगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आपको उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है हर चीज से रिलेटेड। गिव देम अ ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। मान लीजिए वो बोलता है कि हाँ मैंने पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या अच्छा लगा, फिर आपको फिर भी बोलना है कि हाँ भाई मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, फिर आप कैसे बोलना कि हाँ भाई मेरे को पता है कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, फिर भी मैं आपको एक कंपनी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आपको उसको सिंपली 40 से 45 सेकंड के अंदर अपनी कंपनी के बारे में ओवरव्यू देना है कि भाई मेरी जो कंपनी है उसका नाम है मिलेनियर ट्रैक, और वो एक एडटेक कंपनी है जो कि एक लर्निंग और अर्निंग बेस पे काम करती है। मतलब उसमें तीन तरीके के पैकेजेस, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड। जो इलाइट का प्राइस है वो है 599, जो सिल्वर का प्राइस है वो है 2359, और जो गोल्ड का प्राइस है वो है 4130। अगर आप इलाइट परचेज करते हो तो आपको 400 रुपये का कमीशन मिलता है, सिल्वर करते हो तो आपको 1700 रुपये का कमीशन मिलता है, और अगर आप गोल्ड परचेज करते हो तो आपको 3000 का कमीशन मिलता है, और इसमें पैसिव इनकम भी आती है। तो आप किसी कंपनी के बारे में शॉर्ट उसको और भी देना है, और उसको बोलना है कि आपको हमेशा इसमें तीनों में से एक कोर्स परचेज करना रहता है, जिससे कि आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, लर्निंग और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ऐसा एक शॉर्ट ओवरव्यू देना है उसको देना है, ताकि अगर भूल भी जाए तो उसको वापस रिमाइंड हो जाए कि यहाँ क्या है कंपनी। नेक्स्ट यू आस्क हिम इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी। आपको उसको बोलना है कि भाई कि अगर तेरे को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, कि अगर तेरे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, यू हैव टू क्लियर आउट हिज डाउट। अगर उसको कोई डाउट आ रहा है तो आपको उसके सारे डाउट क्लियर करने हैं। और आपको भी मैंने जैसे पहले बोला था कि आपको सारी कंपनी की पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए उसने कंपनी के बारे में कुछ पूछ लिया और आपको उसका आंसर ही नहीं पता, तो आप वहाँ पर फंस जाओगे। इसलिए आपको पहले पूरा प्रिपेयर होकर रखना है, ताकि वो अगर आपसे कोई डाउट पूछे तो आप उसके डाउट को क्लियर कर सको। वो आपको शुरू में ऑब्जेक्शन भी दे सकता है, ऑब्जेक्शन के बारे में हम कल सीखेंगे। आप पहले उसकी कंपनी के बारे में जो भी डाउट हो आप वो क्लियर कर देना उसके। नेक्स्ट है डिसीजन, अब उसको डिसीजन पे लेके आना है। सब हो गया, रिलेशन बन गई, क्वेश्चन पूछ लिए, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब उसको डिसीजन पे लेके आना है। उसको सिंपली पूछना है हाँ तो भाई सब ठीक है, आपको कंपनी के बारे में पता चल गया, कंपनी के कोर्सों के बारे में पता चल गया, अब आप किस कोर्स से स्टार्ट करना चाहोगे? आपको क्या बोलना है कि तो आप अब कौन सी कोर्स से स्टार्ट करना चाहोगे? सॉरी गाइस, आपको उसको बोलना है कि अब आप कौन से कोर्स से स्टार्ट करना चाहोगे। इफ दे एग्री टू बाय कोर्स देन यू पिच देम हायर कोर्स। अगर वो कोर्स खरीदने के लिए मान जाता है, मान लीजिए वो इलाइट के लिए मान जाता है कि यार मुझे तो अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं इलाइट ही परचेज करूँगा, तो आपको उसको हायर कोर्स के लिए पिच करना है। मान लीजिए वो इलाइट के लिए बोलता है, आपको सिल्वर के लिए पिच करना है। अगर वो सिल्वर के लिए बोलता है तो आपको उसको गोल्ड के लिए पिच करना है। अगर वो गोल्ड के लिए बोलता है तो आप तो फिर क्या ही करोगे, क्योंकि तीन ही तो कोर्स है कंपनी में, तो आपको वहाँ पर रुक जाना है। मान लीजिए अगर वो इलाइट के लिए बोल रहा है तो आपको उसको सिल्वर के लिए पिच करना है। आपको सिल्वर के लिए पिच कैसे करना है, आपको उसको उसको बेनिफिट दिखाना है, उसको वैल्यू देनी है। आपको उसको सिल्वर कोर्स के बेनिफिट दिखाना है कि भाई अगर तू सिल्वर कोर्स परचेज करता है तो तेरे को इतने कोर्स फ्री मिलेंगे, तेरे को इलाइट कोर्स भी फ्री मिल जाएगा। और अगर तू मान लीजिए इलाइट ही तो अगर परचेज करता है तो तू सिल्वर और गोल्ड अगर तू परचेज करेगा तो तेरे को कमीशन मिलेगा, वो इलाइट का मिलेगा। लेकिन अगर तू सिल्वर परचेज कर लेता है और तू सिल्वर सेल करता है तो तेरे को 1700 रुपये का कमीशन मिलेगा डायरेक्ट। तो सोच उसको एकदम लालच में लाना है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो
वेल अगला पॉइंट है कि इफ देवर नॉट इंटरेस्टेड यू शुड आस्क वाई एंड इमोशनल लेवल। मान लीजिए अगर वो पहली बात तो अगर सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि अगर वो कोर्स के निकले कोर्स खरीदने के लिए मान जाता है, अगर वो छोटे कोर्स के लिए बोल रहा है, इलाइट के लिए बोल रहा है या सिल्वर के लिए बोल रहा है, तो आप उसको बड़े कोर्स के लिए पिच करोगे। मान लीजिए अगर वो सिल्वर के लिए बोल रहा है तो आप उसको गोल्ड कोर्स के लिए पिच करना है। गोल्ड कोर्स के लिए पिच कैसे करना है, आप उसको गोल्ड कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बोलना है, उसको बेनिफिट बता दिखाने कि गोल्ड कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होगा, तो आपको उसको हायर कोर्स के लिए पिच करना है हमेशा। फिर भी अगर वो लास्ट में आखिर में मानता ही नहीं है, तो वो जिस कोर्स के लिए बोल रहा है आपको उसके लिए ठीक है उसको परचेज करवा के दे देना है, क्या आप तब उसके लिए मना कर दें, तो आप उसको ज़्यादा भी फोर्स नहीं करना, बिल्कुल पीछे पड़ जाओ उसके, नहीं थोड़ा बहुत फोर्स करना, ठीक है। थर्ड, इफ देवर नॉट इंटरेस्टेड यू शुड आस्क वाई एंड इमोशनल देम। अगर वो मना कर रहा है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को भी नहीं खरीदना, आप सबसे पहले उसको पूछोगे कि भाई क्या हुआ, कोई डाउट है, आप उसको ऑप्शन देना। अब उसको सीधा नहीं पूछना कि क्या हुआ क्यों नहीं खरीदा, आप उसको ऑप्शन देना, दो ऑप्शन देना कि भाई मैं इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, अगर वो मेरे को ये बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो उसको कंपनी पे भरोसा नहीं होता, या उसको खुद पे भरोसा नहीं होता। तो भाई तेरे साथ क्या सीन है, तेरे को खुद पे भरोसा नहीं है या कंपनी पे भरोसा नहीं, तो बोलेगा भाई यार मेरे को कंपनी पे तो भरोसा है, लेकिन मतलब दोनों में से एक चूज कर लेगा, तो बोलेगा क्या पता मैं परचेज कर मैं सेल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपको उसको बेनिफिट दिखाने की भाई टेंशन मत ले, कोर्सेस में पूरा सिखाया जाएगा, तेरे को पर्सनल ट्रेनिंग दी जाएगी, मेरा पर्सनल सपोर्ट रहेगा, सेल कैसे करना है, तेरे को बिल्कुल एकदम सेलर बना के छोड़ देंगे तेरे को, तो टेंशन मत ले। फिर भी अगर वो एक्सक्यूज देता है, ऑब्जेक्शन देता है, तो आप उसको फिर कल की वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वो फिर भी नहीं मान रहा, तो आप उसको इमोशनल कर देना, आपको उसको सिंपली पूछना है कि भाई तू लाइफ में करना क्या चाहता है, फिर तो बोलेगा किया कि भाई यार मैं पैसे तो कमाना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, तो आप उसको इमोशनल करना है कि भाई तू सोच, अगर तू ये कोर्स आज खरीद लेता है तो दो साल बाद तू कहाँ होगा, तेरे पास पैसे होंगे, तेरे पापा रिटायर हो जाएंगे, तू फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, आपको उसको ऐसे इमोशनल करना है, लालच देना है, आपको उसको मान लीजिए पूछना है कि भाई तेरा फेवरेट फ़ोन कौन सा है, बोलेगा मान लीजिए कोई भी फ़ोन बोलेगा, मान लीजिए वो आईफोन बोलता है, तब बोलना भाई तो अगर कोर्स स्टार्ट कर सकता है, तेरे पास पैसा तो आ ही जाएगा, तो आईफोन खरीद लेगा, उसको लालच करना है, ठीक है, इस तरीके से उसको डिसीजन पे लेके आना है। और भी है, मान लीजिए अगर वो फिर भी नहीं मान, तो आपको ये कुछ पॉइंट है जिसके तरीके से आप उसको मना सकते हो। फर्स्ट है क्रिएट अर्जेंसी, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करनी है, आपको उसको बोलना है कि भाई अगर तू इसको आज शाम तक या कल शाम तक परचेज करता है, तो तेरे को ये जो मेरे स्पॉन्सर है ना, वो एक जूम मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कि वो सिखाएंगे कि कोर्स को कैसे फर्स्ट सेल को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मान लीजिए 3 सीट है, तो ऑलरेडी 2 सीट बुक हो चुकी है, 1 सीट बची है, अगर तू अभी बुक करता है तो मैं तेरे लिए वो सीट बुक कर दूंगा, नहीं तो मैं वो सीट किसी और को दूंगा। अब वो बंदा सोच में आ जाएगा कि यार ये मेरी सीट किसी और को दे देगा, तो मैं परचेज कर लेता, उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। सेकंड है ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग का लालच देना है कि यार वो हमारी कंपनी में ना एक बहुत बड़े अर्नर है, उन्होंने अब तक 10 लाख+ की अर्निंग की है, और वो कल एक मीटिंग कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि वो सिखाएंगे कि आप भी किस तरीके से 10 लाख रुपये की अर्निंग कर सकते हो। तो उसके लिए 50 लोड थे, 50 में से 45 बुक हो चुकी है, 5 बचे हैं, और मेरे पास 4 अभी भी बंदे हैं, एक सीट बची है, अगर तू खरीदना चाहे तो बता दे, मैं तेरे लिए स्लॉट बुक कर दूंगा, नहीं तो वो किसी और को दे दूंगा, मैं मेरे पास और ही बंदे हैं अभी, तो आप उसको तरीके से लालच देना है। नेक्स्ट है प्राइस बढ़ने वाला है, आपको इस तरीके का लालच देना है कि यार अगर तो आज कोर्स खरीद लेता है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद प्राइस बढ़ने वाला है कोर्सेज का, आपको इसका लालच दे सकते हो आप उसको। नेक्स्ट कंपेयर योर सेल्फ, आपको अपने साथ उसको कंपेयर करना है कि भाई मैं भी जब तेरे जगह था ना, मैं भी सोचने में बहुत टाइम ले रहा था, मैंने 5-10 दिन लिया था, फिर मेरे को रिग्रेट हुआ था कि अगर मैं जल्दी स्टार्ट कर लेता तो मेरी और अर्निंग हो जाती, क्योंकि सोचने में हमेशा टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको उसको अपने से कंपेयर करवाना है, ठीक है। गिव देम ऑफर, आप उसको ऑफर दे सकते हो अपनी तरफ से या कंपनी की तरफ से, अगर कोई है, मान लीजिए आप उसको अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो कि भाई अगर तू स्टार्ट कर सकता है तो कंपनी की तरफ से तेरे को तो ये कोर्स मिलेंगे, मेरी तरफ से पर्सनली तेरे को मान लीजिए कुछ कैशबैक मिलेगा, कुछ सोशल मीडिया पैम्पलेट टेम्पलेट वगैरह कुछ फ्री में मिलेगी, या कुछ ई बुक वगैरह फ्री में मिलेगी, आपको अपनी तरफ कुछ उसको ऑफर देना है, पर्सनली भी दे सकते हो आप, ठीक है।
तो आपको इस तरीके से सेल क्लोज करनी है। अब आने वाली कल की वीडियो में सीखेंगे कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। तो आपको कल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे को पता है आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ ज़्यादा ही शेयर कर देना इसको। मिलते गए अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।